आज हम ये बिल्डिंग मशीन रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। ग्रीन जी 200 के नाम से ये है और इसको पहले सीरीज बल्ब के द्वारा डीसी लगा के देख ले रहे हैं। यहाँ पे सीरीज बल्ब ऑन हो गया और इस तरह से यहाँ ऑन हो गया। तो इसमें दिक्कत ये था कि इसका प्रॉपर राड नहीं गला रहा था, तो एक बार इसको होल्डर लगा के चेक भी कर लेंगे, उसके बाद में इसे इसमें काम करेंगे आगे, इसमें दिक्कत क्या कर रहा है। तो इससे पहले शॉर्ट वीडियो उसका अपलोड किए थे कि स्पार्किंग तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पार्किंग तो हो रहा है ये, लेकिन जो है प्रॉपर ये इसका राड नहीं गल रहा है। तो एक बार हम इसको यहाँ पे होल्डर लगा के चेक कर लेंगे। यहाँ पे होल्डर लगा दिए हैं, लेकिन ये बिल्डिंग मशीन का फैन चल रहा है, ये होल्डर लगा दिए, लेकिन ये फैन इधर चल रहा है, आवाज़ भी आ रहा है, और ये बंद हो गया, इसका स्विच गिरा दिए तो ये फैन बंद हो गया, इधर चल रहा फैन ये रुक गया। और ये स्विच ये अब इसका जो है डीबी स्विच उठा रहे हैं, ये चालू हो गया, लेकिन यहाँ पे ये डिस्प्ले ही जो है पावर सप्लाई में ही कुछ दिक्कत दे रहा है। ये इसको एक बार खोल ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे स्पार्किंग भी छोड़ दिया है, फिलहाल स्पार्किंग भी नहीं ले रहा है, ये स्पार्किंग भी नहीं ले रहा, इसको एक बार खोल ले रहे हैं, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं। इसका पेज खोल के कैबिनेट बॉक्स खोल ले रहे हैं पहले इसको, उसके बाद में आगे देखते हैं। पेज सारा खोल लिए इसका, अब ये कैबिनेट इसका हटा दिए हैं। तो इसमें कहीं से कोई लूजिंग वगैरह ही होगा, इसलिए पावर सप्लाई बंद हो जा रहा है। तो इस पर पहले देखेंगे इसमें दिक्कत कहाँ से है। तो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच आईसी लगी हुई है इसमें, तो इसमें जो है TL 082 ये यहाँ पे लगा हुआ है, और ये LM 324 है यहाँ पे जो लगा हुआ है, और इसमें भी जो लगा इस सर इसमें इस वाले में इसमें ये भी LM 324 है, और यहाँ पे जो लगा हुआ है UC 3846 है, और ये LM 324 TL 84C। तो इसमें दो IC TL 84C है, और दो तीन LM 324 और एक UC 3846 जो पल्स IC है। यहाँ से जो है इसका ये चार मास्टर लगा हुआ है, और यहीं से जो है ये ड्राइव ट्रांसफार्मर है, और ये चार IGBT लगा हुआ है इसमें, चार इधर और चार इधर, आठ IGBT है, और ये इसका डायोड है, चार इधर और चार इधर, आठ डायोड और आठ IGBT पे ये बना हुआ है, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें, और ये इसका बड़ा वाला जो है दिख रहा है ट्रांसफार्मर इंडक्टर है, ये बहुत हैवी है,
तो इसमें देखते हैं कि दिक्कत क्या करना है। ये एक बार फिर से इसे सीरीज बल्ब के द्वारा चेक करेंगे, इसमें दिक्कत क्या कर रहा है। ये फिलहाल ये यहाँ पे सीरीज के द्वारा दे रहे हैं इसे वोल्टेज, तो ये ऑन हो जा रहा है। जब हम इसे डायरेक्ट वोल्टेज दे रहे हैं तो ये ऑफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है और ऐसा ये क्यों कर रहा है। और अब यहाँ पे वोल्टेज भी आने लगा होगा आउटपुट पे, इसे भी चेक कर ले रहे हैं जी। 68 वोल्ट के आस वोल्ट के मतलब आ रहा है यहाँ पे। इसे एक बार डायरेक्ट लगा के भी देख ले रहे हैं। यहाँ पे जो है इस तरह से स्पार्किंग कर रहा है, ये यहाँ पे होटल लगा दिए हैं ये, लेकिन ये बराबर राड इसका नहीं गल रहा है, ये इसी तरह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। यही प्रॉब्लम है इसमें कि राड को नहीं गला पा रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से राड गलाना चाहिए, इसमें ही दिक्कत है।